हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोमेंट्स अगेन। और आज हम अपने जो बाइक है उसका रिव्यू करने वाले हैं। ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं आएंगे, जो हमें लगा है पर्सनली उसको हम शेयर करेंगे। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो पिछला रॉयल एनफील्ड वाला वीडियो था, जब हमने बाइक ली थी, उसके वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बाइक के थोड़े बहुत मतलब जो कंफर्ट लेवल है, माइलेज वगैरह, वो सब का पूछ रहे थे, वहाँ पर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंटरस्टेलर ग्रीन कलर का है, जो कि यहाँ पर ये गोल्डन लाइन ग्रीन, जो डार्क ग्रीन कलर है, और यहाँ पर ब्लैक का मिक्सचर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी गाड़ी का बाइक, पूरी बाइक तो मेटल की बनी हुई है और कुछ पार्ट्स में एल्युमिनियम भी लगा हुआ है। एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पर ये लेग गार्ड लगा हुआ है जो हमने लगाया अभी तो, और यहाँ पर ये ब्रॉड फुटरेस्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर एक सब गार्ड लगा हुआ है। गाइस, जो हमने एक्सेसरीज अभी दिखाया तो वो हमने लगा रखा है, और अगर आपके पास बाइक है तो आप अपने मर्जी के एक्सेसरीज लगा सकते हैं, बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं उसमें वैसे। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए ठीक ही है, रैश ड्राइवर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। आज मैंने भी चलाया और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इसमें। तो गाइस, यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आपका ऑरेंज लाइट में, जो कि अच्छा है, LED में नहीं है, क्योंकि फिर रास्ते पे जो दूसरे राइडर्स या फिर ड्राइवर्स हैं उनके आँखों में चमकेगा और फिर एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, इसलिए ऑरेंज लाइट ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, बाकी हेडलाइट जो है वो LED है, बैकरेस्ट है नहीं, लेकिन लगाया जा सकता है। अगर हम बैकरेस्ट के बिना ट्राई करें तो फिर पीछे वाले के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, लेकिन बैकरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बैठे हुए बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, कुछ कहनों को ही नहीं है इतना ज़्यादा। रिकॉर्ड कर ही रहा था वीडियो, और सामने से निकलेगा ही, मेरे पापा यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि ये देखो नीला है, नीला है। तो यहाँ पर ये स्पीडोमीटर, और जो मैंने नीला दिखाया था वो अभी भी इधर ही घूम रही है, आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ी उसके वजह से। चलो, जो भी है, तो ये स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो आपके मैप और नेविगेशन के लिए हेल्प करता है, आपके फ़ोन से कनेक्ट करके आप ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बाइक को बंद कर दिया क्योंकि ये हॉर्न की आवाज़ सुना रही थी, ताकि आपको क्लियर है, हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है, मज़ा आता है सुन के। लाइक यहाँ पर ये हॉर्न है, ठीक है, मैंने यहाँ दबाया, लग ही नहीं रहा कि कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा रूड बन रहा है, बहुत स्वीट हॉर्न है। गाइस, अब हम अपने पर्सनल फीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो बाइक ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट अगेन ये जो बैक रेस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पीछे वाले के लिए। अब चलाते समय बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो होती है, मैंने आज ही चला के देखा है, लेकिन मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे को चलाना नहीं आता है, मज़ाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे मेरे पापा के हिसाब से। बाइक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हैवी है,
लेकिन तब भी कंफर्टेबल है, आई डोंट नो हाउ। चलाते समय तो लगता ही नहीं है इतनी हैवी है, बट जब आप स्टैंड से हटा रहे होंगे, जो डबल स्टैंड लगा होता है उससे जब आप हटा रहे होंगे तब बहुत ज़्यादा दम लगने वाला है उसमें। तो गाइज अब हम बात करते हैं हेलमेट की, जो मेरे पापा ने रॉयल एनफील्ड की शोरूम से ले रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर मीटर 650 भी लिखा हुआ है, जो कि बाइक का नाम है। और अगर आप देखें यहाँ पर ये फैब्रिक फिनिश हो रखा है, और यहाँ पर ये ईयर गैप भी बन रखा है जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेंट्स भी है, एयर वेंट्स, जिससे हवा पास होती रहेगी। और जो आपका ग्लास है यहाँ पर, और आपके फेस के बीच में और आपके ग्लास के बीच, मतलब हेलमेट के ग्लास के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और ये हेलमेट एरोडायनामिक शेप की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम एज में। गाइस ऑल ओवर ये हेलमेट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट शॉर्ट राइड्स के लिए। और अगर आप लॉन्ग राइड में ले रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप फुल हेलमेट लो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है आपको। तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन है नहीं सामने की तरह, तो फुल हेलमेट लॉन्ग राइड के लिए ज़रूरी है। बाइक में हम बैठ चुके हैं और अभी घर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दूँ बाइक में। और अभी आप देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑफ रोड है बेसिकली, ज़्यादा भी नहीं बट है थोड़ा बहुत, और ज़्यादा मतलब वाइब्रेट नहीं हो रहा है, मतलब वाइब्रेट क्या स्टेबल है, बाइक स्टेबल है, स्टेबल है बाइक, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है बाइक। फाइनली अभी मम्मी से भी पूछ लेते हैं बाइक कैसी लगी। बहुत अच्छा लगा, मुझे देखने पहले बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था फर्स्ट जब मैंने देखा था। और मुझे जो पीछे वाला रियर सीट का स्पेशल होता है लेडीजों का, तो रियर सीट बहुत अच्छा है। बैकरेस्ट के हाँ, बैकरेस्ट थोड़ा सा चाहिए, अदरवाइज मतलब ठीक है, मुझे तो अच्छा है, कम्फर्टेबल है। और पीछे बैठने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर बाइक पे सीट होगा। मुश्किल नहीं है, कंफर्टेबल है। मैं ये बोलूंगी पहले जो वाला बाइक था उससे तो काफी बेटर है, एंड बहुत रिलैक्सिंग है काफी दूर तक जा। हाँ, लॉन्ग ड्राइव के लिए बैक सीट जरूरत है, अदरवाइज नॉर्मल इधर उधर जाने के लिए तो उतना नहीं चाहिए होता है। बहुत अच्छा है, एंड कलर तो ऑब्वियसली मुझे ही पसंद है। इसके बेस में आपने कलर चूज किया है शाहरुख खान, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान वाला, मुझे ऑलवेज वही चाहिए था। चलो गाइस आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स देते रहना, ऐसी नई नई वीडियो आती रहेगी। जैसे कि आपको पता ही है ये वाली वीडियो कमेंट्स पे ही देते हैं। थैंक यू।